ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर। बच्चों, आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की कहानी, कृष्ण जन्म की। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे बिराजे हैं, मोर मुकट पर कानों में कुंडल कर में मुरलिया साजे है। श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे उनके मामा कंस के कारागार में हुआ था। कारागार का अर्थ है जेल। जी हाँ, उनके पिता वासुदेव और माता देवकी को कंस ने बंधक बना के रखा था। कंस ने एक एक करके देवकी के 7 शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी को 8वीं संतान हुई तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को यह आदेश दिया कि वे कृष्ण को गोकुल के यशोदा माँ और नंद बाबा के पास पहुँचा दें, जहाँ पर वह कंस से सुरक्षित रह सकेंगे। श्री कृष्ण ने गोकुल में रहकर अनेक बाल लीलाएँ की। वे अपने ग्वाले दोस्तों के साथ गायें चराने के लिए जाते। गोकुल के सभी लोग कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। कृष्ण भी सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रज को बचाया था। श्री कृष्ण ने लोक रक्षा के लिए बहुत से काम किए थे, इसी वजह से वे जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने उन्हें अपना मित्र बनाया था, जिन्हें समाज में छोटा समझा जाता था। उन्हीं मित्रों के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया था। आइए अब देखते हैं श्री कृष्ण की कुछ बाल लीलाएं, जैसे गोवर्धन पर्वत की कहानी, पूतना वध तथा शेषनाग युद्ध। जब ब्रज में देवराज इंद्र के कोप से मूसलाधार बरसात हुई, तब श्री कृष्ण ने 7 दिन तक छाते की तरह से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर थामे रखा और नगरवासियों की जान बचाई। बहुत अच्छी मधु। पूतना ने कृष्ण के जन्म के बारे में सुना और उसे मारने के लिए निकल पड़ी। उसने एक गोपी का भेष बना लिया और यशोदा के घर पहुंच गई ताकि कृष्ण को मार सके। यशोदा, यशोदा, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे बेटे कृष्ण को देखने आई हूँ। ओह, वो तो वहाँ पालने में खेल रहा है। यशोदा ने उसे कृष्ण के साथ खेलने दिया। इधर पूतना कृष्ण के साथ खेलने लगी और उधर यशोदा घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद पूतना ने आसपास देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसने कृष्ण को पालने से निकाला और अपने हाथों में उठाकर घर से बाहर निकल गई। इस तरह वो कृष्ण को गोकुल से बाहर ले आई। वो अपना जहरीला दूध पिलाकर कृष्ण को मारना चाहती थी। लेकिन छोटे से कृष्ण ने जब उसका दूध पीना शुरू किया तो उसे इतना दर्द हुआ कि राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे। उसने अपने आप को कृष्ण से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। फिर वो जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर गई।
यशोदा ने देखा कि कृष्ण अपने पालने में नहीं है। यशोदा भी गांव वालों के साथ भागे भागे वहां पहुंची, जहां पूतना मरी पड़ी थी। कृष्ण, कृष्ण, ये राक्षसी कौन है? ये तो वही राक्षसी है जो छोटे बच्चों को मार देती है। ये तो अच्छा हुआ किसी ने इसे मार दिया। ओह कृष्ण, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और कृष्ण उनकी गोद में ऐसे खेलने लगे और हंसने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। बलराम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारा भाई कहाँ है? हमें उसे बचाना ही होगा। कृष्णा, कृष्णा, Yeah.
जा। नहीं नहीं नंद महाराज, वहाँ जाना अत्यंत घातक है। जाने दो, मैं यहाँ खड़ा रह के ये सब नहीं देख सकता। वो देखिए कृष्णा को बांसुरी बजा रहा है। इसे सुनिए, अद्भुत है। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उसके बंधन से अपने माता पिता और नाना को मुक्त किया और अपने नाना को फिर से मथुरा का राजा बनाया। दही हांडी प्रतियोगिता। जन्माष्टमी के दिन कई जगहों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी में सभी जगह के बालक भाग लेते हैं। इस मटकी को फोड़ने के लिए बालकों द्वारा प्रयास किया जाता है। जो टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है वह टीम इनाम की हकदार होती है। मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य नगरों में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और आधी रात 12 बजे कृष्ण का जन्म होने के बाद घंटियां बजाकर श्री कृष्ण की आरती की जाती है। इसके बाद लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों में प्रसाद बांटकर खुशी प्रकट करते हैं। इसी तरह से पूरे दिन व्रत रखकर यह त्यौहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने भी धरती पर तभी अवतार लिया जब कंस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था और दीन दुखियों को सताया जाने लगा था। इसी वजह से हमें भी श्री कृष्ण के संदेशों को अपनाना चाहिए। जब जब संसार में कष्ट, पाप, अनाचार और भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसे खत्म करने के लिए कोई ना कोई बड़ी शक्ति जरूर जन्म लेती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्कर्म में लगे रहना चाहिए और जन्माष्टमी भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूछती जिन्हें दुनिया सारी, आओ उनके गुण गाएं, सभी मिलकर जन्माष्टमी का पर्व मनाएं।